टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के तनवर नगर में और आपको बता दें कि आज एनसीपी पार्टी के अयाज बबलू अपने तमाम समर्थकों के साथ तनवर नगर में जो महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना के ऑफिस है यहाँ पर पहुँचे थे और कहा था रात 12 बजे तक जो इस ऑफिस के कलवा मुंब्रा के जो सदर हैं मनसे पार्टी के इरफान सैयद, उनसे कहा गया था कि रात 12 बजे के तक जो है आप बैनर ये उतार दो, जो पोस्टर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, इसे उतार दो, नहीं तो एनसीपी पार्टी अपने स्टाइल में इस बोर्ड को उतारेगी। दरअसल रात के 12 भी बज चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है और अयाज बबलू जिन्होंने रात 12 बजे तक का समय दिया था वो यहाँ पर मौजूद है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि अयाज बबलू आपने कहा था कि रात 12 बजे तक का समय है, बोर्ड उतार दें नहीं तो आप लोग खुद उतार देंगे एनसीपी के स्टाइल में, क्या हुआ, क्यों नहीं उतारे? देखिए ऐसा है कि हम तो उसकी पूरी तैयारी में थे और पूरी तैयारी से आए थे उतारने के, बट हमारे जो मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं और शहर के कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं उन लोग ने और हमारी पार्टी के कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया कि मत करो, वो खुद वो खाली कर देगा, माहौल ख़राब हो रहा है शहर का और हमको हमारे शहर का माहौल नहीं ख़राब करना है। रमज़ान चल रहा है और अगर ये ऐसा होगा तो जो वैसे ही कोविड की वजह से जो परेशानियाँ चल रही हैं, आप सोच रहे हैं कि माहौल ना ख़राब, तो आप दोपहर में ही ये बात सोच ली होती? नहीं ऐसा नहीं, कैसा रहता है हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है, कुछ जज्बात होते हैं और कुछ समझदारी होती है, तब हम जज्बात में थे और हम समझदारी में अभी, तो वो कैसा है वो बोर्ड तो खाली करा है, वो तो बोर्ड उतर ही जाएगा, आज नहीं उतरेगा, कल नहीं उतरेगा, 10 दिन में उतरेगा, लेकिन वो उतर ही जाएगा, वो तो हम उसकी दुकान खाली करवा देंगे। मुंब्रा पुलिस दुकान खाली करवा देंगे, मतलब ओनर से खाली करवा देंगे दुकान, उसकी ओनर दुकान खाली करवा देगा उसकी, यानी जबरदस्ती खाली करवा देंगे। ऐसा है कि जब बोर्ड उतारने के थाने हैं तो बोर्ड तो निकलवाएंगे ही ना, ठीक है भाई हम अपनी दादा समय भी तो दिया था 12 बजे तक, क्यों नहीं, ठीक है ना, वक्त होता है हर चीज़, जरूरी नहीं भाई हमने पत्र भी लिख दिया कि भाई आज लिखा और मिटा नहीं सकते उसको, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है वक्त के हिसाब से निकल जाएगा वो, लॉ एंड ऑर्डर है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से आपको नोटिस वगैरह मिली है, ऐसी जानकारी आई है? हाँ 149 का नोटिस दिया है उन्होंने कि भाई जो है वो माहौल ना ख़राब हो, उसके लिए उन्होंने नोटिस दिया है मुझे। अच्छा ये भी खबर काफ़ी तेज में चल रही है कि आप जो इरफान सैयद हैं उन्हें आप एनसीपी में आने का ऑफर दे रहे हैं। मैंने उनको दोपहर में कैसा, इरफान मेरे बहुत पुराने साथी, मेरे बहुत अच्छे जानने वालों में से हैं, तो उनको हमने बहुत प्यार से ही समझाया कि इरफान भाई देखो कैसा है कि तुम अपने वाले हैं, तुम जानते हैं, तो हम तुमको बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दो, तुमको ऐसा कुछ लगता है तो तुम एनसीपी ज्वाइन करो, एनसीपी से काम करो, शहर में एनसीपी काम कर रही है ना, हर जगह हर मुद्दों पर काम कर रही है, रोड के मुद्दों पे काम कर रही है, गटर के मुद्दों पे काम की बात अलग है, हर आदमी का अलग अलग पर्सनल चीज है, जिसको जो पार्टी पसंद है वो उस पार्टी में रह सकता है, आप ऑफर दिए वो बात अलग है, मेरा सवाल था कि आपने ऑफर दिया है या नहीं दिया? हाँ मैंने उनको ऑफर दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं, तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तभी तो पुलिस स्टेशन गए ना, अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया होता तो पुलिस स्टेशन नहीं जाते। तो अभी क्या लग रहा है, आप जिस तरह से आपको नोटिस भी अभी मिल चुकी है और आपका जो समय दिया गया था 12 बजे तक लगभग वो भी गुजर चुका है, तो अभी आपका क्या स्टैंड है? ठीक है हम प्रशासन की थोड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, वो शहर में भी माहौल उन्होंने अच्छा बना के रखा हुआ है तो उसको हम बिगाड़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए हम इसको अभी स्थगित कर रहे हैं, लेकिन वो जो बोर्ड है उसको हम लोग तो बोर्ड तो हटेगा ही, इंशाल्लाह ज़रूर हटेगा। अभी भी रात 12 बज के 1 बजने को है लेकिन पुलिस का यहाँ पर आप देखेंगे भारी बंदोबस्त लगा हुआ है और यहाँ पर मनसे पार्टी के जो इरफान सैयद हैं वो भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। इरफान भाई क्या कहेंगे आप, जिस तरह से लोगों का ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि जिस तरह से राज ठाकरे का जो बयान आया था, आप भी एक मुसलमान हैं, तो आप उस बयान से कितना सहमत हैं? देखिए ऐसा है जो राज साहब ठाकरे ने हमारे जो सर ने कहा है वो पब्लिक जो है उसको समझ नहीं पा रही है, ये कोर्ट का आर्डर है कि लाउड स्पीकर 10 बजे तक बजाए जाएं और उन्होंने यही कहा कि स्पीकर अगर नहीं उतारे जाएंगे तो उतारना काम कोर्ट का है, ये मनसे पार्टी नहीं बोले कि हम उतारेंगे, ये कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट उतारेगी। अगर डबल आवाज में हनुमान चालीसा सुनाया जाएगा अगर, तो कितना सहमत है? अगर कोर्ट अगर नहीं उतारती है तो हम हनु वो चालीसा बजाएंगे ना, ये कोर्ट को कहा गया है, हमारे सामने कहा है। तो ये जो है नहीं नहीं राज ठाकरे का बयान है कि मस्जिद में जो भी माइक लगे जिनमें अजान होती है
उनमें काफ़ी तेज़ आवाज़ से अजान होती है, लाउड स्पीकर हटाया जाए, नहीं हटाया जाएगा तो हम उससे डबल आवाज़ में वहाँ पर हनुमान चालीसा सुनाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि स्पीकर जो है वो कम आवाज़ में बजाया जाए, और उसका एक टाइमिंग है कि 10 बजे तक बजाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो राज साहब ने हमारे यही कहा है ना कि भाई टाइम से बजाएं और उसको जो है कम आवाज़ में बजाएं, और अगर नहीं उतारेगा कोर्ट जो है तो उसमें जो है हम जो है अभी आपके ऑफिस का जो यहाँ पर पोस्टर है इसे फाड़ने के लिए एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता, खास करके जो अयाज बबलू हैं, उन्होंने चेतावनी दी थी आपको कि आप उतार दें या 12 बजे के पहले हम इसे फाड़ देंगे। बहरहाल ऐसी कोई यहाँ पर चीज़ हुई नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर जो मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर हैं हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इसको जो है हमारे बोर्ड को उतरने नहीं दिया और यहाँ का वातावरण ख़राब करने नहीं दिया। यहाँ की जो पुलिस है और जो मुमरा पुलिस स्टेशन है वो बहुत अच्छा काम किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और यहाँ का जो है माहौल ख़राब नहीं होने दिया और उनको बुलाया, बाकायदा वहाँ पर बुला करके 149 का उनको नोटिस दिया गया है कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें, अगर करेंगे तो आपको जो है उसका एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने अच्छा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आपको एनसीपी से ऑफ़र आ रहा है, आप जाने वाले हैं एनसीपी में? नहीं, क्या ना, हम एनसीपी में जाएंगे ना कहीं, हम राज साहब ठाकरे के वो हैं कार्यकर्ता, हम उन्हीं के कार्यकर्ता बन के रहेंगे। तो आपने सुना इरफान सैयद ने जो है कहा है कि वो राज साहब ठाकरे के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। बहरहाल यहाँ दिखाएंगे कि जिस तरह से जो 12 बजे समय दिया गया था, बहरहाल ऐसा यहाँ पर पोस्टर जो यहाँ पर ये लगा हुआ है ये अभी तक सुरक्षित है, और पुलिस का भी यहाँ पर भारी बंदोबस्त लगाया गया है। कैमरामैन तन्मय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।